उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक भर्ती प्रक्रिया तेज। उत्तर प्रदेश भर में जनपद सीतापुर में सर्वाधिक रिक्त पद 2,500 पद भरे जाएंगे, जिसको दृष्टिगत रखते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के डायट प्राचार्य जेपी मिश्र ने अपनी टीम अलर्ट कर दी है। जनपद सीतापुर में काउंसलिंग के लिए आने वाले किसी भी अभ्यर्थी को किसी तरह की समस्या होने पर डायट प्राचार्य जेपी मिश्र के सीओजी नंबर पर संपर्क कर सीधे समाधान ले सकते हैं। डायट प्राचार्य जेपी मिश्र ने बताया, काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्णतया निष्पक्ष की जाएगी, अतः किसी भी अभ्यर्थी को किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। डायट प्राचार्य ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए डायट स्टाफ को पूर्णतया तैयार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की 69,000 भर्ती की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। 3 जून से काउंसलिंग होने की संभावना है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद में 15 मई से टीटी प्रमाण पत्रों का वितरण सोशल डिस्टेंसिंग को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन की देखरेख में किया जा रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए डायट प्राचार्य ने बताया, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने अब तक टीईटी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, वे अतिशीघ्र डायट खैराबाद से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती की जानी है, सर आज से फॉर्म आवेदन किया जा रहा है। अब तक सर कितने लोगों को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र वितरित हो चुके हैं, किस तरीके से प्रक्रिया चल रही है पूरी? जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार का हमें विज्ञप्ति से संबंधित सूचना प्राप्त हुई, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने दिनांक 15 मई से ही इन प्रमाण पत्रों का वितरण प्रारंभ करा दिया और लगभग इधर 3 दिनों में हमारे करीब करीब 400 टीटी मार्कशीट वितरित किए जा चुके हैं। कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि जनपद में सबसे ज़्यादा चयन किया जाना है, लगभग 2,500 रिक्तियां हैं। ऐसी दशा में यहाँ संभावित उम्मीदवारों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होगी। जी सर, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने अपने कई स्टाफ को एक्टिव कर दिया है। बहुत तेज़ी से प्रतिदिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम प्रमाण पत्रों का वितरण करा रहे हैं, क्योंकि 3 से 6 जून को संभावित जो हमारा काउंसलिंग है उसमें काफ़ी भीड़ होने की संभावना है। जनपद बहुत महत्वपूर्ण है और लखनऊ के निकट होने से काफ़ी संख्या में यहाँ अभ्यर्थी आते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हमने हर प्रकार की तैयारी इसी अभी से सुनिश्चित करनी प्रारंभ कर दी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी जो संभावित अभ्यर्थी हैं उनको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि वो किसी भी प्रकार की अगर उन्हें कोई परेशानी है तो हमारे व्यक्तिगत मोबाइल पे या मेरे सीओजी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर कोई उनको किसी प्रकार का लालच या लोभ देता है या किसी प्रकार की अन्य ऐसी बातें करती है तो उसके भी बहकावे में कदापि मत आएं। यहाँ बिल्कुल पूर्णतया निष्पक्ष ढंग से हम काउंसलिंग कराएंगे। पिछले बार भी बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से हुआ था, इस बार भी पूर्णतया निष्पक्ष ढंग से काउंसलिंग कराई जाएगी और कोई अगर ये कहे उसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता हो तो ये संभव नहीं है। हमारे सारे स्टाफ रेडी हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जनहित में इस तरह के अच्छे कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं और इसका व्यापक प्रचार प्रसार आपके माध्यम से हो रहा है। आप, यही मेरा कहना है, अगर कोई परेशानी किसी को होती है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।